नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटरटेनिंग बादशाह में। और आज तारीख है 1 जनवरी 2021। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करता हूँ कि 2021 आपके लिए बहुत बढ़िया हो, खुश रहें सब और सब हमारे लिए भी बढ़िया हो। और दोस्तों भाई, दिन भर की सबसे बड़ी खबर और ये पहली खबर निकल के आ रही है आकाश चोपड़ा जी के हवाले से। इन्होंने अभी हाल ही में कल ही इन्होंने क्वेश्चन रखा ICC के सामने कि आपने जो T20 टीम ऑफ द डिकेड बनाई है उसमें आपने महेंद्र सिंह धोनी को क्यों लिया। दोस्तों पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। आकाश चोपड़ा, ये क्रिकेट ट्रैकर से हमने एक सोर्सेस से बताया आपको, और बहुत जगह आ रही है खबर, आपको भी अभी तक पता चल गई होगी शायद से। आकाश चोपड़ा क्वेश्चंस ICC फॉर पिकिंग MS धोनी इन द T20I टीम ऑफ द डिकेड। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने नीचे दिया है कि इनका कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी जी ने अभी तक अपन को, इंडिया को, एक भी T20 मैच नहीं जिताया, ना कोई ऐसी कोई ट्रॉफी जिताई T20 की। ऐसा इनका कहना है, मैं इनकी बात बता रहा हूँ। और उनका परफॉर्मेंस भी इतना खास नहीं है T20 के अंदर। तो जॉस बटलर जैसे महान खिलाड़ी, ये मानते हैं उनको, जॉस बटलर जैसे महान खिलाड़ी को आपने नहीं लेके MS धोनी को लिया, बहुत गलत टीम है ये। और T20 के अंदर आपने सिर्फ 3 ही बॉलर्स चुने, ये पूरे T20 का खेल है, आपने सिर्फ मलिंगा को चुना है, बुमराह को चुना है और एक जने को और चुना है, मेरे को याद नहीं आ रहा। और बाकी के 3 बॉलर आपने राशिद खान को चुना है, हाँ 3 बॉलर आपने चुने हैं और 1 बॉलर की कमी है। और उसके अंदर 4-4 ओवर कौन डालेगा, फिर धोनी बॉलिंग डालेंगे, पोलार्ड को ये ऐसा 4 ओवर नहीं डाल सकते, मैक्सवेल 4 ओवर नहीं डाल सकते। देखो मैं इनकी बात बता रहा हूँ जो इन्होंने कहा है। तो ये समझते हैं कि MS धोनी को ना लेके आप जॉस बटलर को लेते और एक दो बॉलर्स और लेते। तो देखो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि जॉस बटलर सही चॉइस थे क्या MS धोनी की जगह? देखो आपको ओपिनियन में समझना चाहता हूँ। देखो क्योंकि धोनी का एवरेज 45 का है, 45 का भी बहुत बढ़िया एवरेज होता है भाई T20 की। तो ऐसे कैप्टन मटीरियल यार महेंद्र सिंह धोनी T20 में बहुत परफेक्ट है, लेकिन आकाश चोपड़ा जी को ऐसा नहीं लगता। तो उन्होंने क्वेश्चन सवाल उठाया ICC के ऊपर कि आपने इनको क्यों लिया T20 के अंदर। तो देखो दिन भर से जुड़ी दूसरी खबर केन विलियमसन के हवाले से आ रही है। मतलब विलियमसन ने स्टीव स्मिथ को और विराट कोहली को पछाड़ के टॉप पोजीशन अपना लिए टेस्ट रैंकिंग के अंदर। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, केन विलियमसन 890 रेटिंग से टॉप पर हैं, विराट कोहली सेकंड नंबर पे हैं एज यूजुअल जो पहले थे 879 रैंकिंग से। और हाल ही में स्टीव स्मिथ जो टॉप पे रहते हैं टेस्ट रैंकिंग के, उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा, 0-0-1 ऐसे उनका थोड़े स्टैट रहा है अभी इंडिया के खिलाफ, तो वो नीचे फिसल के आ गए 877 रेटिंग से और वो थर्ड पोजीशन पे आ गए। फोर्थ पे मार्नस लाबुशेन है, पांचवे पे बाबर आजम, और अजिंक्य रहाणे ने भी छलांग लगाई है भाई, छठे पोजीशन पे अजिंक्य रहाणे पहुंच चुके हैं। ये देखो पूरी रैंकिंग, चलो मैं आपको सारी रैंकिंग दिखाई देता हूँ आज, ये तो पूरी एरी, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ODI की भी। ODI के आप देख लो, नंबर 1 विराट कोहली, सेकंड पे रोहित शर्मा, बाबर आजम, रॉस टेलर, एरन फिंच, फाफ डुप्लेसी, डेविड वार्नर, केन विलियमसन। और इसके अंदर आपको बॉलिंग की रैंकिंग दिखा देता हूँ, ट्रेंट बोल्ट है नंबर 1, बुमराह थर्ड पे, क्रिस वोक्स, सारी रैंकिंग मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये थी कि केन विलियमसन ने पछाड़ दिया है स्टीव स्मिथ को, विराट कोहली को। अब देखना ये कि, और नंबर 1 T20 में डेविड मलान है, यहाँ पे बाबर आजम, लोकेश राहुल, राशिद खान T20I बॉलिंग रैंकिंग में, और मोहम्मद नबी एज अ ऑलराउंडर। तो देखो दोस्तों ये रही पूरी। और दिन भर की तीसरी सबसे बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के यहाँ से। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा एक फाइन लगा है स्लो ओवर रेट के चलते। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट के अंदर उन्होंने बहुत धीमी बॉलिंग करी। मतलब स्लो ओवर रेट का मतलब ये होता है कि आप मतलब टाइम पास करते हैं ना ज़्यादा, पूरा टाइम ज़्यादा निकाल लेते हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर जुर्माना लगा है 30% कुछ मैच फीस इसके ऊपर। और इनके जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप है ना, उसके पॉइंट्स भी इन्होंने गवा दिए, इसलिए अब टॉप पे है न्यूजीलैंड, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे इंडिया। ऐसे इन्होंने क्या कि वो पॉइंट्स भी गवा दी, तो इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब टॉप पे न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है ICC टेस्ट रैंकिंग के अंदर। तो देखो दिन भर से जुड़ी चौथी बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। चौथी बड़ी खबर ये है भाई साहब, बहुत बुरी खबर है, ईशांत शर्मा पहले,
फिर मोहम्मद शमी और यहाँ पे अब उमेश यादव। वैसे तो ये न्यूज़ मैंने आपको एक दो दिन पहले ही बता दी थी मेरी प्रिडिक्शन वीडियो के अंदर, और अभी एक दो दिन पहले उसमें भी बताई थी, मैंने एक शॉर्ट्स की वीडियो आई थी उसके अंदर भी, लेकिन मैंने आपको पूरी पुष्टि के साथ इस वीडियो में बता रहा हूँ, उमेश यादव पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनका जो रिप्लेसमेंट है वो अभी शार्दुल ठाकुर है, और टी नटराजन को भी बुलाया गया है। टी नटराजन को इसलिए बुलाया वो मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के लिए, मोहम्मद शमी का अब रिप्लेसमेंट हुआ है टी नटराजन के रूप में, टी नटराजन को बुला लिया गया है और बहुत ही शानदार बॉलर है। देखो नटराजन, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि नटराजन सही मतलब चॉइस है मोहम्मद शमी की जगह, और उमेश यादव की जगह आपको शार्दुल ठाकुर को इन्होंने बुलाया है। तो देखो शार्दुल ठाकुर भी बहुत बढ़िया एज अ बैट्समैन भी है वो, उनको बैटिंग भी आती है और वो बॉलिंग तो ऐसी बढ़िया करती हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टी नटराजन, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर में से किसको मौका मिलना चाहिए उमेश यादव की जगह? उमेश यादव बाहर हो चुके हैं उस वजह से। तो देखो दोस्तों दिन भर की चार बड़ी बड़ी खबरें हमने आपको बता दी, और भी अगर कोई अपडेट आती तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आकाश चोपड़ा वाली न्यूज़ के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या बयान है, जॉस बटलर होनी चाहिए या फिर महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल परफेक्ट है।